इस वीडियो में हम पाइथन का बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे कि पाइथन क्या है और पाइथन के थ्रू हम किस तरह की एप्स की डेवलपमेंट कर सकते हैं और पाइथन के कुछ फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ पाइथन। पाइथन इज़ एन ओपन सोर्स लैंग्वेज। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि ये फ्रीली अवेलेबल है और हर कोई इसको फ्रीली यूज़ कर सकता है। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, मतलब ये कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल के लिए ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है। अच्छा जी, पाइथन की मतलब हम इसको देखते हैं कि पाइथन को आप किस किन किन तरह की एप्स की डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ये कि पाइथन को हम कंसोल बेस्ड ऐप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपने जो जिन्होंने पहले कुछ लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी, सी या जावा, तो सी प्लस प्लस में ये होता था कि हमारे पास एक आउटपुट आती होती थी ब्लैक स्क्रीन पे, तो उसको हम कहते हैं कंसोल बेस्ड, मतलब उस पे जो अट्रैक्शन होती थी वो टेक्स्ट के फॉर्म में होती थी। इसके बाद हम पाइथन में GUI बेस्ड एप्लीकेशन भी या डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन की डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। जैसे जावा में आपने कोई एप्लीकेशन बनाई होती है कैलकुलेटर की, तो वो क्या होती थी, एक GUI बेस्ड होती थी। पाइथन के थ्रू हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन के डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। पाइथन की एक बहुत मशहूर जो लाइब्रेरी है जेंगो, इसको यूज़ करते हुए हम वेब एप्लीकेशन की डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन के लिए डेवलपमेंट के लिए भी हम पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल गेम डेवलपमेंट के लिए जैसे कि PY गेम की एक लाइब्रेरी है जिसको हम यूज़ करते हुए गेम डेवलपमेंट की कर सकते हैं पाइथन के थ्रू। इसके अलावा स्टेट ऑफ द आर्ट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशन, इस तरह की जितनी भी हम न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, न्यू इन चीज़ों की डेवलपमेंट के लिए पाइथन का यूज़ बहुत ज़्यादा आजकल हो रहा है और इन फ्यूचर भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो आप पाइथन को सीखें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी और आपकी बहुत ज़्यादा लर्निंग भी होगी। इसके अलावा इसमें हम पॉपुलर ऐप्स जो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हैं उसको देखते हैं कि पाइथन में कौन कौन सी ऐप्स डेवलप हो चुकी हैं। यूट्यूब, मोज़िला फायरफॉक्स जो कि एक वेब ब्राउज़र है, इंस्टाग्राम, ड्रॉपबॉक्स एक क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है। तो ये जो फेमस मैंने चार एप्लीकेशन के नाम लिए हैं तो ये भी एक पाइथन के थ्रू ही डेवलप हो चुकी हैं। इसके बाद एक गिट हब का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ओपन सोर्स है जिसमें ये होता है कि हर तरह के डेवलपर अपना कोड जो होता है प्रोजेक्ट का वो वहाँ पे अपलोड करते हैं और इजीली अवेलेबल, फ्रीली अवेलेबल होता है हर एक के लिए। तो सबसे ज़्यादा गिट हब पे जो कोड पड़े हुए हैं वो जावा के और सेकेंड नंबर पर पाइथन पे हैं। इसके बाद अभी हम देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं। पाइथन बहुत सिंपल, बहुत आसान, ईजी टू लर्न। मतलब अगर किसी ने अगर पहले कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ी हुई, कोई सी या जावा कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ी हुई, तो वो पाइथन उसके सीखने के लिए बहुत ईजी है। इसके अलावा इसमें जो सेंटेक्स हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। जो जिन्होंने पहले अगर सी या जावा पढ़ी हुई है तो उसमें ये होता था कि हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो साथ हमें इंट कीवर्ड या वार कीवर्ड इस तरह का हमें साथ देना पड़ता है, लेकिन पाइथन में इस तरह का कुछ नहीं है। जस्ट आप वेरिएबल को यूज़ करें, वैल्यू असाइन करें और अपना काम फर्दर उसको करें। इसके अलावा पाइथन एक केस सेंसिटिव है। मतलब अगर कोई ऐसा कीवर्ड जो जिसके वर्ड जो है वो स्मॉल में हो और किसी के वर्ड जो है वो कैपिटल में हो तो वो डिफरेंट मीनिंग्स देंगे, उसकी सिमेंटिक जो है वो डिफरेंट होगी। पाइथन और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। तो बेसिक सा इंट्रोडक्शन था पाइथन का। अब पाइथन को विंडोज़ में कैसे इंस्टॉल करना है तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।